ठीक है। ये यार गलत बात है, बिल्कुल ये भी करोगे ठीक है। यही ना सर, ये वाला हाँ ले लिया ये वाला, फिर मेरे से नहीं मांगेंगे ना? यार नहीं मांगेंगे, ये वाला मांगेंगे तेरे, ये वाला मांगेंगे तेरे, जोड़ कर आ जा, ये वाला मांगे चौंक बजा, रिकॉर्डिंग हो रही है समझा, ये देख ये जैसे सुनकर रोड कराया ये भी किया। कोई ना कोई शॉट मिस मारेंगे तेरे को, शुभ लाभ वाला भी चाहिए। लाइट जल रहा है, हाँ ये बाद में ये मेरे को भेज कौन शॉर्ट में से लगे बुला लो भाई, ओके अरे ऊपर आना, चेंज करना पड़ेगा भाई, आ जाएगा शंभू, अंदर मत जा, अरे अंदर मत जाना, बीच में आएगा, अरे लेडी को हटाओ ना सामने से, अरे यार क्या कर रहे हो, मजा नहीं है, लेट सेट गो, एक मिनट मैडम, थोड़ा सा
क्यों बोला था हैक करो? अरे मुझे क्या पता ऊपर चढ़ेंगे। हाँ बात चल ठीक है, तो ये तो ठीक है। करण खड़े हो गए, अच्छा यार पीछा हटा दिया। अरे शिवा थोड़ा पीछा, पापा मोबाइल हेलो थोड़ा पीछे। ओए यार एक काम कर, तू मेरे सामने चल। यो सेंटर सेंटर सब यही पे इसको शुरू करा था। किस तरीके की कहानी सर आप बताइए? नहीं नहीं यार बताया ये आई मीन द कोर ऑफ द स्टोरी इज चोर पुलिस, ये चोर है मैं पुलिस हूँ, दैट्स व्हाट इट इज। इट्स कहानी है अमित लोधा की, ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर, बड़े शहर से रूरल एरिया में पोस्टिंग होती है, वहाँ पर जो उनके बैटल्स हैं कहीं ना कहीं ये उस चीज़ की कहानी। और हम हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है, एंड आई थिंक दैट्स द कोर क्रक्स ऑफ इट।
देखा है बिहार के हर एक लोकेशंस को आपने अच्छे तरीके से यूज़ किया, चाहे वो E30 हो, चाहे वो और भी लोकेशंस हो, प्लीज़ बताइए किस तरीके से सभी। इसका पूरा का पूरा श्रेय भव धुलिया को जाता है जो हमारे निदेशक हैं। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वो उन्होंने रेकी किया था और उनको जो जो जगह पसंद आई उन्होंने वो उसके पिक्चर्स जो हैं वो सारे प्रोडक्शन टीम के साथ डिस्कस किया कि ये है उनका शॉर्ट लिस्ट और हमारा काम था उनको सपोर्ट करना। तो इसका पूरा क्रेडिट जो लुक का है वो मुझे डायरेक्टर को देना होगा इसके लिए। सर आपकी बात की जाए तो मतलब हमने देखा है आपको कि मतलब कि आप बहुत ही एस्टैब्लिश एक्टर्स के साथ आपने काम कर चुके हैं पहले भी, अक्षय कुमार जी हो, अनुपम खेर जी हो, नसीरुद्दीन शाह जी हो, तो मतलब कि ये आइडिया आपको कहाँ से सूझी कि मतलब कि न्यूकमर्स के साथ या मतलब टेलीविजन एक्टर्स के साथ आपको काम करना है? नहीं, आपने कहा ना अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं हम लोग, तो वही है जो चाहे वो नसीर भाई हों, चाहे अनुपम जी हो जिनसे जिनके साथ मेरी पहली फिल्म थी, चाहे ये प्रोजेक्ट है, हम अच्छे एक्टर्स के साथ ही काम कर रहे हैं अभी भी, तो वो चीज़ नहीं बदली है। आप स्टार वगैरह नहीं देखते हैं, आप कंटेंट, आप टैलेंट देखते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी में जो है बेहतर से बेहतर टैलेंट काम करे। इन दिस केस ऑल्सो वेदर इट वॉज अविनाश, करण, द होल ऑनसम्बल दैट वी हैव, इट्स अ फैंटास्टिक कास्ट, मतलब कहीं किसी से कोई कम नहीं है इसमें। सर हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, सब वही करेंगे तो हम लोग क्या करें। आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, कितना पसंद किया है आपने और बिहार के कौन कौन से नई नई चीज़ों को इन्जॉय किया है, जिसकी बहुत सारी चीज़ें थी स्पेशली विद लैंग्वेज। विथ लैंग्वेज तो खैर भोजपुरी में बोलता भोजपुरी में बोलता थोड़ा अच्छा लगे, जितना भोजपुरी जितना भोजपुरी हमारा के आवेला उतना कोशिश कर। तो लैंग्वेज में खासकर बहुत बहुत ज़्यादा उसमें मुझे काम नहीं करना पड़ा, मैं बिहार की पैदाइश हूँ तो थोड़ी बहुत समझ है मुझे, भाषा इतनी फ्लुएंट नहीं है मेरी लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। किरदार के बारे में खासियत ये, जैसे आपने पहले भी शुरू में पूछा कि शो की खासियत क्या है, मुझे ये लगता है कि दोनों जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के जो जो समाज है उससे बाहर हैं, ये बाहर से आए हुए हैं उस समाज में और ये समाज से निकाले हुए हैं एक तरीके से, और इन दोनों की कहानी है जो जो आपको देखने मिलेगी इसमें। मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ और जिस तरह की मेरी परवरिश हुई है उसके हिसाब से किरदार काफ़ी अलग था मेरे लिए, और किसी भी एक्टर के लिए कुछ भी चैलेंजिंग हो तो उसे अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी मज़ा आया करने में और मुझे सारा सहयोग अपने डायरेक्टर्स और नीरज सर से मिला। जब से OTT प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है और इमरजेंस हुआ है तो एज अ प्रोड्यूसर कितना हेल्पफुल हुआ है और भी प्रोड्यूसर्स को आपको, या एक चैलेंज हुआ है अगर देखना चाहे बड़े पर्दे पर रिलीज होती थी वो शायद कहीं ना कहीं अफेक्ट कर लिए जब से OTT का चलन हुआ है तो? नहीं ऐसा नहीं है, दोनों मीडियम्स जो हैं वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब ये जैसे खाकी जो है ये 6.5-7 घंटे की कहानी है, आप इसको थिएटर में आप प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे उसको। हर मीडियम हर फॉर्मेट का अपना एक रिक्वायरमेंट होगा, अपना एक चैलेंज है, थ्रेट नहीं है। कोई चीज़ अपने आप में अगर एग्जिस्ट करती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगली चीज़ के लिए थ्रेट बन जाती है। दोनों मीडियम्स हैं, दोनों फ्यूचर हैं और दोनों का अपना एक रेलेवेंस है, अपना एक अस्तित्व है और दोनों ही अपने लिए अपनी अपनी कहानियों का रिक्वायरमेंट लेकर आएंगे। जब तक फ़ायदा नहीं उठाओ तब तक ठीक है। और हमारा जो कहानी कहने का जो जो एक क्वेस्ट रहता है कि आप नई कहानियों अपने दर्शकों तक ले आएँ, द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज़ कि आपके पास ये फॉर्मेट है जिसमें आप 6-7 घंटे की कहानी कह सकते हैं, तो वी लुक एट इट एज अ पॉजिटिव। करण, आपको अपने कैरेक्टर के लिए कितना रिसर्च करना पड़ा और कितना मतलब बिहारी के डायलॉग में आपको कितना पड़ा? डेफिनेटली मैंने अपने डायलॉग पर थोड़ा काम किया बिकॉज शो में एक पॉइंट पर आके वाइल मेरा कैरेक्टर बिहार से नहीं है पर उसे बिहारी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना पड़ता है फॉर अ सर्टन सीक्वेंस, सो यू नो वी डिड हैव अ डायलॉग कोच and for me that was a lot of fun doing in general because it's just nice to kind of learn a different dialect, you like to you know delve karne maza aata hai. More than that in general bihar ka jo texture hai usko adapt karne mein meri I think thodi bahut cathartic journey rahi hai jis tarike se amit ki rahi hai because main bhi city bred kid hu, mumbai se hu, तो पहली बार हम जहाँ शूट कर रहे थे झारखंड में और दालतनगंज और मकलौसीगंज में जो काफ़ी अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं,
वहाँ पे जिस तरीके से रहना, होटल्स का ना होना, यू नो जो जनरल दिक्कतें आती हैं, इट वॉज प्रीटी मच वेरी सिमिलर टू अमित कैरेक्टर. सो आई ऑल्सो लेट द सेम जर्नी दैट प्रीटी मच अमित डिड. और कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि वो कैरेक्टर भी मेरे समझ में थोड़ा हेल्प कर रहा था. ऑल एंड ऑल देर इज सो मच दैट गोज इन टू अ कैरेक्टर. बड़ा डिफिकल्ट है डिफाइन करना एक सेंटेंस में कि क्या क्या प्रिपरेशन थी, बिकॉज आई फील कभी कभी पूरा शो खत्म हो जाता है उसके बाद कैरेक्टर पकड़ में आता है हाथ में. तो आई फील धीरे धीरे यू नो चीज़ें आती है, बट डेफिनेटली व्हेन यू वेयर अ पुलिस यूनिफॉर्म उसका एक अपना ही चार्म है. जिस तरीके से हम फिल्मों में दिखाते हैं कि वो एक एक बटन लगाते हैं, जो बैज आता है, रियल लाइफ में भी थोड़ी ऐसी ही फील आती है. हर चीज़ स्लो मोशन में चलती है, व्हेन यू फाइनली बकल अप दैट बेल्ट इट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग. सो हाँ, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कैरेक्टर को बनाने में थोड़ी मदद करती हैं. वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जो जो कमेंट्स है. आप व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज रिस्पेक्ट द ऑडियंस. इट्स एज सिंपल एज दैट. विद एनी पीस दैट वी कम आउट वी ऑलवेज बेयर इन माइंड कि ये दर्शकों के लिए और उनके कंजम्पशन के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए नहीं है. तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन आर अप्रोच एज फार एज चूजिंग द स्टोरीज आर कंसर्न. मेमोरेबल सीक्वेंसेज आई फाइंड द होल सीरीज इज अ मेमोरेबल वन. अब आपको कुछ पसंद आएगा, इनको कुछ पसंद आएगा. वी होप दैट एवरीबडी लाइक्स द सीरीज एज अ होल. नीरज जी, सोशल मीडिया की बात की जाए तो हमने ये भी देखा है कि मतलब कई सारे फिल्म जो है जो मतलब रिलीज होने से पहले ही मतलब कि इतना बवाल में मच जाता है उनके कैरेक्टर्स को लेके या उनके जो है कुछ ना कुछ पार्ट को लेके फिल्म के मतलब कि बैन करने की बात हो जाती है. तो आपको क्या लगता है बिहार के ऊपर है, स्पेशली बिहारी लोग का टेम्परमेंट बहुत हाई पाया जाता है, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा आपके फ्रेम में भी दो बिहारी हैं. ओके, तो आप कोई इसमें संकोच रहे हैं? नहीं, संकोच रहे हैं, निश्चिंत रहे हैं. ये जो है शो, ये एंजॉय एंटरटेनमेंट करें इसको लेकर. ये एक किताब पर बेस्ड है और स्पिरिट में इट कैप्चर्स द डीएनए ऑफ द बुक वेरी वेल. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you, sir.